बॉर्डर पे मैं अक्सर घूमता फिरता रहता हूँ, बॉर्डरों की आपने टेंशन ही लेनी, लेकिन जाना आपने लीगल वे में। अभी जो आप ये बैक पे मंजर देख रहे हो, ये इस्तांबुल ओतोगार है, बस टर्मिनल बोलते हैं। जैसा कि यार ये अभी बस देख रहे हो वन शहर की तरफ जाती है, तो इस बस के साथ वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो उसके लिए मैं ज़रा इधर पर लोगों का रश थोड़ा ज़्यादा है, दूसरी साइड पर जाकर आपको फुल डिटेल देता हूँ इस बस के वाले से कि वन शहर की बस आपको क्यों दिखा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। यार मैं ज़िंदगी में एक ही बार बाय रोड का सफ़र किया था पाकिस्तान से तुर्की का, ठीक है, वो भी कोरोना से पहले किया था। बहुत से लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि बाय रोड हम पाकिस्तान से तुर्की आ सकते हैं। जी दोस्तों, आप आ सकते हो, मेरी बाकायदा वीलॉग पड़ा है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे लोग करते हैं ना, वो वीज़े का करते हैं कि जी बाय रोड का वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो भाई आप बात करते हैं वीज़े की पहले, ठीक है। इस वीडियो में वीज़ा जो है ना मेरे भाई, आपको विज़िट वीज़ा मिलता है, एम्बेसी से मिलता है, बॉर्डरों पे वीज़ा नहीं मिलता, पहली बात ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात, वीज़ा लेने के बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने बाय रोड आना है या बाय एयर आना है या अपनी गाड़ी में आना है या अपनी बाइक पे आना है, जिस पे भी आना है आप आ जा सकते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैं ख़ुद बाय रोड आके सफ़र किया है, बाकायदा आपको दिखाया भी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, ठीक है। अभी जो आप ये बैक पर मंजर देख रहे हो, ये इस्तांबुल ओतोगार है, बस टर्मिनल बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने बाकायदा यहाँ पे पता भी किया है कि यहाँ से इस्तांबुल से इस टाइम ईरान बसेस वगैरह जा रही हैं कि नहीं। तो मेरे पीछे जो ये दुकान है ना, इनकी जो बस है ना वो जाती है वान शहर, ठीक है। आपको बताता चलूँ, ईरान से जब आपने आना है ना तुर्की में, तो ईरान को दो बॉर्डर लगते हैं, एक है दोगो बयाजिद का और दूसरा है वान शहर का, ठीक है। मैं दोगो बयाजिद से एंट्री की थी, मेरे एक दोस्त ने वान शहर से एंट्री की थी। तो दोनों शहर से आप आ सकते हो, पास पास ही, ज़्यादा फासला नहीं है, दो ढाई घंटे का फासला है दोनों शहरों के बीच में बॉर्डर के लिए ईरान वाली साइड से, ठीक है। तो बात करते हैं कि पाकिस्तान से इस टाइम बाय रोड ईरान के जो है ना, जितना मेरे नॉलेज में इस टाइम 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस टाइम बाय रोड पाकिस्तान से बॉर्डर्स बंद हैं, ठीक है। इस टाइम आप बाय रोड पाकिस्तान से आ नहीं सकते ईरान, ठीक है। अगर बॉर्डर खुले होते तो आप ज़रूर आ सकते थे, लेकिन ईरान से आगे तुर्की के बॉर्डर इस टाइम ओपन है, क्योंकि मैंने इधर पीछे से पूछा है, अभी कन्फर्म किया है मैंने, इसे कन्फर्म इस हवाले से किया है कि भाई मैं इस्तांबुल से ईरान जाना चाहता हूँ बाय रोड। तो उसने कहा जा सकते हो, लेकिन पहले जो है आपको वान शहर जाना है, वही बात जो बॉर्डर के पास का शहर है, ठीक है। तो मैं वान शहर यहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है। वान शहर से जो है ना बसें वगैरह वहाँ से लहदा मिलती हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही करीब है। मैं एक बार पहले भी वान शहर में जा चुका हूँ, बाकायदा वीडियोस बना चुका हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे से मालूम है, ठीक है। बॉर्डर पर मैं अक्सर घूमता फिरता रहता हूँ, बॉर्डरों की आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जाना आपने लीगल वे में है, ठीक है। वीज़े आपके पास होना ज़रूरी है, ईरान का वीज़ा, ई वीज़ा भी मिल जाता है, एम्बेसी से भी मिल जाता है डायरेक्टली, इतना कोई मुश्किल वीज़ा नहीं है ईरान का, ठीक है। अगर आपने, बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी हमने तुर्की से भी बाय रोड पाकिस्तान वापस जाना है, तो प्यारे भाइयों अगर आप एक रूट से आ रहे हो ना, तो उसी रूट से वापस जा भी सकते हो। ऐसा नहीं होता कि एक रूट से आप आए हो तो वापस नहीं जा सकते, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। सेम रूट ही है, आपने जैसे मैंने इनसे पूछा, अभी उन्होंने कहा आपके पास वीज़ा होना चाहिए, बाकी आप वान जाओगे, वान से आप ईरान की बस पकड़ोगे, वहाँ पर बॉर्डर पर चेकिंग होती है, इमिग्रेशन होती है। मैं खुद आया हूँ एक बार बाय रोड, और जब मैं आया था फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाय रोड, तो मैं इसी ओतोगार पर आया था, ठीक है। और इसी ओतोगार पर आने की आज वजह भी यही है ताकि आप लोगों को क्लियरफिकेशन दे सकूं कि बाय रोड सफ़र करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। भारत सफ़र बहुत लंबा है, 6 दिन मुझे लगे थे टोटल, ठीक है, जिसमें 2 दिन मैंने स्टे पाकिस्तान में किया था। देखने सुनने में आसान लगता है, ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। मेरा खुद गला बैठ गया था उस टाइम, मेरा भी गला बैठ गया था, और आगे की जितनी भी डिटेल थी वो मैंने वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। तो आज भी आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, पहला काम होता है वीज़ा लेना। जब वीज़ा लग जाए आपका, उसके बाद आप जैसे मर्जी ट्रैवल को लोग कोई रोक टोक नहीं, लेकिन बॉर्डरों का बॉर्डरों पे जाके पता चलता है ओपन है या नहीं, या फिर ऐसे बस टर्मिनल पे जाओ जो बॉर्डरों की तरफ जाती हैं, जैसे ताफ्तान में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, एक ताफ्तान में लगता है, ठीक है। फिलहाल मैंने वही यूज़ किया, आपको भी उसी का मशवरा दूंगा। तो ताफ्तान के बॉर्डर से आप पता करवाओ कि फ़िलहाल ईरान में बसेज जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अगर बसेज जा रही हैं तो भाई आप बाई रोड आ सकते हो बड़ा ईजीली, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस टाइम बाई रोड ईरान की साइड से पाकिस्तान की साइड से बॉर्डर्स बंद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बॉर्डर पे ही पता चलती हैं। उम्मीद है आपको डिटेल मिल गई होगी, जो बहुत से लोग आज भी मुझसे पूछते हैं बाय रोड आने के वाले से। दुआओं की गुजारिश है आप सब दोस्तों से, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।